ये तो हो सकता है, होता ही है, हो सकता क्या है, वाणी कह रही है। तो हम जिसे प्रेम करें वो हमें प्रेम करे ना करे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दुनिया में यही है ना। और जोगी भर्तृहरि की साखी तो सबने सुन रखी है, वो अपनी रानी से प्रेम करती है, रानी किसी और से प्रेम करती है, वो किसी और से प्रेम करते हैं, वो किसी और को प्रेम करते हैं, फल घूम के उसी के पास आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सबने सुन रखी है। संसार झूठा ही है, ऐसा ही है, बस हम मानते नहीं, मानने का दिल नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, सारे दुनिया में प्रेम झूठा ही है, और वाणी कहती है झूठा है, पर एक प्रेम सच्चा है गुरु और शिष्य का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम जप रहे हैं बाबा आनंद सिंह जी के वचन है, हमने अगर याद किया है, तो इसका मतलब सिंपल है, उसने याद किया है तो हमने याद किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप जपाए जपाए सुना, वो जपाता है तो जपते, वो कैसे जपाएगा, उसे याद है तो जप, उसने हमें याद किया तो हमने जपा, उसका प्रेम सच्चा है। हर प्रेम झूठा है। एक गुरु और शिष्य का प्रेम है दो तरफा होता है, और दो तरफा भी ऐसा होता है, अगर 1% शिष्य की तरफ से तो करोड़ % गुरु की तरफ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हो लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु करोड़ कदम चलकर आता है, अगर शिष्य एक कदम चल के जाए। नानक वो परमेश्वर के प्यारे, प्यारे वो जिसे वो प्यार करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे वो प्यार करे वो सास सास सिमरन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमें बिठा के आज वो ये ज्ञान दे रहे हैं, गुरु नानक पाशा ही दे रहे हैं ना, उसकी बाणी दे रही है ना, मैं तो एक जरिया हूँ, मेरा मुंह है, बाणी तो वही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझसे सेवा ले रहे गुरु, बस सारी चिट्ठियां उसकी है, मैं डाकिया पढ़ के सुना रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो समझा रहे हैं, चाहते हैं ना कि हमारा स्वास्थ्य सिमरन हो जाए, वो चाहते हैं, बशर्ते हम ले लें। देखो पहले भी ये पॉइंट आया था, बरसात हो रही है कृपा की, जितना बर्तन होगा उतना भर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो देते वक्त ये नहीं देखता कि इसने कितने गुनाह किए हैं, नहीं, गुरु नानक पाशा ने भूमि चोर के गुनाह देखे, सज्जन ठग के गुनाह देखे, कौंडे राक्षस के गुनाह देखे, जो लोगों को तल के खा जाता है, नहीं देखे, हमारे भी नहीं देखेगा, सिर्फ एक वचन मान ली उनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल दो लोगों की माफी नहीं है, दास बार बार कह देता है, हर गुनाह को माफ कर देता है। ए अहंकारी को, अहंकारी जो कहे कि मैंने ही किया है सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा जो दूसरों की निंदा करे, इन दो चीजों से अगर इंसान अपने आप को किसी तरह से परहेज कर ले ना, बहुत जल्दी आगे पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। जन्मों का काम हफ्तों महीनों में दिनों में भी हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर दो चीजों परहेज कर ले, एक तो मन में भी ख्याल ना है कि मैंने किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे करने से सब होता है, मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये चलता है हर एक के मन में। सेवादार सेवा करते उनके मन में चलता है, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये सेवा नहीं होगी, अरे मर जाएंगे तो कुछ नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पता नहीं कौन सी गलत फहमी में जीते हैं, साल भर किधर गायब हो जाओ, अचानक 4 दिन रोएंगे, आओ सब खुशी हर मिलेंगे आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब आके पूछते चौथा कभी है, कितने बजे लेके जाएंगे और कितनी देर लगेगी, जिनके लिए सारा जीवन मर मर के कमाया वो पूछते कितना टाइम और रुकना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 घंटे नहीं है तुम्हारे लिए किसी के पास, और पता नहीं कौन सी गलत फहमी में हम जीते कि हम नहीं होंगे तो पता क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की एक बात मान लो, श्वास श्वास सिमरन चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ किसे किसे चाहिए श्वास श्वास सिमरन, जयकारा बोलो सारे। श्वास श्वास सिमरन की दात अमृत वेले से मिलती है, 100% मिलती है। आप सारा दिन मेहनत करके थक जाओगे, दात नहीं मिलेगी। अमृत वेला अगर आपने नेम संभाल लिया, नेम अगर संभाल लिया 2.5 घंटे का, बीत गया कुछ समय, नई छुट्टी हुई, श्वास श्वास सिमरन की दात मिलेगी, ये होना ही है, ये दात इसमें छिपी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
हर श्वास के साथ वाहेगुरु निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आप नहीं चाहोगे तो भी निकलेगा। सहज अवस्था की घटना आपने सुनी थी, आदमी चाहता है शोर बंद हो जाए पर नहीं होता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। स्टेजें आती पर बिना अमृत वेले के ये स्टेज नहीं मिल सकती। हाथ खड़े किए हैं, सौ सौ सिमरन की दात चाहिए। बस एक मन में संकल्प कर लो कि कुछ भी हो जाए, चाहे दरबार में कभी कभी ना आ पाए, घर में कर लें, पर अमृत वेला नहीं छूटना। ये समय गुरु नानक को ऐसे दे दो जैसे हमारा है ही नहीं। चाहे देखो एक पॉइंट का यहाँ पे समझाता बड़ा जरूरी है, कभी कोई चार बजे उठता है, कभी वही आदमी तीन बजे उठता है, कभी सात बजे उठता है, कभी पांच, कभी दो। नहीं, ये गलती मत करो, चाहे दो के बजे तीन उठो, पर एक पक्का नियम रखो। इसका बहुत फर्क होता है, बहुत असर होता है। हम लोग अपने हिसाब से समय बदलते रहते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। नहीं, चाहे साढ़े तीन उठो, एक फिक्स कर लो, चाहे दो उठो चाहे बारह, एक फिक्स कर लो। उस टाइम पे आपने बैठना है, वो ऐसा टाइम हो जाएगा कि गुरु नानक इंतजार करता है फिर, और लिव ऐसे जुड़ती है। ऐसे लोग कहते हैं ना, मन नहीं जुड़ता, जब एक समय फिक्स हो जाता है ना, तार ऐसे कनेक्शन जुड़ता है। हम इस बातों को समझ नहीं पाते, इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। बाबा नंद सिंह जी के पास कोई आया था, कहने लगे बाबा जी पूछते कि नाम कब जपते हो, तो कहने लगे जब भी समय मिल जाए। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे काम क्या करते हो, कहें बैंक में मैनेजर। कि कितने बजे जाना होता है, कहते सुबह नौ बजे पहुंचना होता है, शाम को इतने बजे छुट्टी। कहने लगे नहीं तो दोपहर को तीन बजे जाए कर। कहने लगे नौकरी से निकाल देंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों निकाल देंगे, तू तीन बजे जा काम करना है, तू बोला मैं अपना काम करके इधर हूँ, मैं नौ बजे नहीं आता, तुम्हें काम से मतलब है ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे महापुरुषो ऐसे नहीं दुनिया चलती, तो कहने लगे ऐसे सिमरन भी नहीं चलता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी समय मिला कर लिया, उसका भी समय है, समय है अमृत वेला। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दुनिया में नौकरी नहीं टिकती अगर समय पर ना जाओ, और हम चाहते हैं कि अंदर हमें अवस्था मिल जाए, सिमरन शुरू हो जाए, साथ साथ सिमरन की भक्ति मिल जाए, पर टाइम कोई नहीं। इसको इतना लाइटली लिया हुआ है, हमने इतना छोटा समझा हुआ है। सबसे ऊंची चीज चाहिए, महंगी चीज चाहिए, पर मेहनत सबसे कम करनी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अहमियत दो इसको, इसको उतनी अहमियत दो जितनी अहमियत और किसी चीज को दे ही नहीं, देने ही नहीं है, फिर गुरु भी उतनी अहमियत देगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद इतनी जल्दी वर्त जाएगा जो बैठते हैं उठकर एक समय पे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कोई कीर्तन या लेट हो जाता था ना, एक मिनट साथ संगत जी कपड़े उतरवा के, समझो तीन बजे का टाइम है कीर्तन का, शाम बजाने का, तीन पाँच तीन चार तीन तीन हो गए, सेवादार को हुक्म था तीन बजे से पाँच मिनट पहले पहुंचना है। अगर कोई एक दो मिनट लेट आता है तो उसे बाहर भेज दो, खड़े रखो कपड़े उतार के ठंड में। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सजा देते थे बाबा नंद सिंह जी के, उसे दो मिनट का हिसाब कौन देगा गुरु नानक को। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे थोड़े संत बन जाते हैं, समय कीमती है, वो भी अमृत लगा एक एक मिनट। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती है, समय की कीमत, श्वास की कीमत को पहचानो, और मेरे लिए भी अरदास करो कि पाछा ये भी जो बोल रहा है स्टेज पर अपना जीवन वैसा बनाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा मन है कि मेरा भी एक एक श्वास सफल हो जाए, पर हो नहीं पाता, मैं कर नहीं पाता। आप संगत आशीष दो, गुरु मेहर करे मुझ पर। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम भी परमेश्वर के प्यारे बन जाए, वो हमसे प्यार करे। यार जे बोलिए धन गुरु नानक। नानक होए परमेश्वर के